बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर कहा है कि जिस दिन हमें सबूत मिल गए उस दिन रिया चक्रवर्ती को जमीन से खोदकर भी निकाल लेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपी हुई हो। दरअसल पटना में FIR दर्ज होने के बाद सुशांत मामले की जांच बिहार पुलिस कर रही है। मुंबई गई पटना पुलिस की टीम केस से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक वो सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती तक नहीं पहुंच पाए हैं। इस पर DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि रिया प्राथमिकी में आरोपी है और इसी वजह से पटना पुलिस उनकी तलाश कर रही है, लेकिन जिस दिन हमें सबूत मिल गए उस दिन रिया को जमीन से खोदकर भी निकाल लेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपी हुई हो। गुप्तेश्वर पांडे ने न्यूज चैनल आज तक से बातचीत में कहा है कि रिया चक्रवर्ती को लगता है कि वो निर्दोष है तो फिर उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसे अपने आप को पटना पुलिस के सामने प्रस्तुत करना चाहिए ताकि सुशांत राजपूत केस में जांच को आगे बढ़ाया जा सके। DGP ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती को सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि जाँच एजेंसी जो भी पूछना चाहती है उनसे पूछ ले। ये लुका छुपी का खेल ठीक नहीं है। DGP ने आगे कहा है कि सुशांत मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए पटना पुलिस मुंबई पुलिस से कई प्रकार के कागजात और CCTV फुटेज की मांग कर रही है जो उन्हें अब तक नहीं मिला है। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि मुंबई पुलिस को CCTV फुटेज और कागजात देने पड़ेंगे। DGP ने आगे बताया है कि हम लोगों का अनुसंधान प्राथमिकी स्टेज में है और हम लोगों के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट CCTV का फुटेज नहीं है। जो अभियुक्त बनाए गए हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। सुशांत का जान इतना आसान नहीं है, हम लोग इतनी आसानी से इस केस को जाने नहीं देंगे। इस मामले में चाहे जितने लोग हों, जो भी लोग हों, उन्हें सलाखों के पीछे पहुँचा कर रहेंगे, सच्चाई को सामने ला कर रहेंगे। इधर मुंबई में जांच कर रही पटना पुलिस को लेकर एक बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का पता लगा लिया है। पटना पुलिस ने रिया को नोटिस भेजकर जांच में सहयोग करने को कहा है। रिया फिलहाल पटना पुलिस से बच रही है। उन्होंने पटना पुलिस की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है। बताया जा रहा है कि वो अग्रिम जमानत लेने की भी कोशिश में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को इस मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं। पुलिस रिया से भी पूछताछ कर रही है, इसके लिए उनके घर पर भी जा चुकी है लेकिन वो नहीं मिली। पुलिस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिनों से लापता रिया के ठिकाने का पता अब लग गया है और उन पर पुलिस की नज़र है। सही वक्त आने पर पूछताछ की जाएगी। एक पुलिस सूत्र के मुताबिक पटना के किसी महिला पुलिस अधिकारी के मुंबई पहुंचने का इंतजार भी किया जा रहा है। इसके बाद रिया से पूछताछ की जा सकती है। बिहार पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि इस बीच पुलिस ने रिया को नोटिस भेजकर जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत का शव मुंबई के उनके फ्लैट में मिला था। इस मामले में सुशांत के पिता KK सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में FIR दर्ज कराया था, जिसमें रिया के खिलाफ कई आरोप लगाए गए थे। इनकी छानबीन के लिए पटना पुलिस मुंबई गई हुई है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल डिजर्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।